अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेकर आई हूँ, मसाला बोटी। चलिए इसे हम बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने 1 किलो गोश्त ले लिया है, इसकी हमने छोटी छोटी बोटियाँ बना ली हैं। इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टेबलस्पून कुटी हुई हरी मिर्च, 1 टेबलस्पून इसमें हम कचरी पाउडर डालेंगे गलावट के लिए। आप इसकी जगह कच्चे पपीते का पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। और हम डालेंगे 250 ग्राम दही। इसके लिए हमने कुछ ड्राई मसाले लिए हैं। हमने लिया है 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टीस्पून गरम मसाला और 1 टेबलस्पून मीट मसाला। हम इसमें सारे मसाले डाल देंगे। 1 टेबलस्पून इसमें हम नमक डालेंगे और इसमें हम ढेर सारा पुदीना और हरा धनिया काट कर डालेंगे। हम 2 मीडियम साइज़ की प्याज फ्राई करके निकाल लेंगे। हम इसे गोल्डन फ्राई करेंगे। जब प्याज ठंडी हो जाए तो हम इसे क्रश करके इसमें डाल देंगे। और सारी चीज़ों को हम हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सारा मसाला हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है। इसमें हम डालेंगे 1 कप तेल जो 250 ml है। तेल को भी अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसे कम से कम 2-3 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। गोश्त को मैरिनेट होते हुए 3 घंटे हो चुके हैं। अब हम इसे एक कढ़ाई में ट्रांसफ़र करेंगे जिसमें हमें इसे पकाना है। थोड़ी देर तक हम इसे चलाते हुए पका लेंगे। आप इसे ज़रूर बनाकर देखिएगा। ये मसाला बोटी खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। गोश्त अच्छे से पकना शुरू हो गया है। अब हम 1 लीटर से ढककर इसे 15-20 मिनट के लिए गला लेंगे। बीस मिनट तक गोश्त गल चुका है। अब हम इसे चेक कर लेंगे। बहुत ही अच्छी इसकी स्मेल आ रही है और देखने में भी ये बहुत अच्छा इसका कलर लग रहा है। गोश्त जो है हमारा 90% तक गल चुका है। इसे थोड़ी देर तक हम और भून लेंगे। हम इसे मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए भूनेंगे।
गोश्त जो है भुनना शुरू हो चुका है। गोश्त को हम ढककर 2 मिनट तक और पका लेंगे लो फ्लेम पर। गोश्त जो है एकदम भुन के पक के तैयार हो चुका है। हम अपनी गैस को अब बंद कर देंगे और इसे हम डिश आउट करेंगे। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें और अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करती हूँ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताएं मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। हम फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।